हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल एस्टेट सेंटर एंड माय नेम इज अनिल कुशवाहा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड स्टेटमेंट, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 यदि नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जिनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने का शौक वगैरह इंटरेस्ट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भेजना है। तो मैं भी उसमें क्वेश्चन सेंड करूँगा आपको, वहाँ पर सॉल्विंग भेजना, जिससे आपको भी प्रिपरेशन होता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा कोई भी अगला वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपके लिए पार्ट 2 है। मैंने इसके कुछ देर पहले, एक या दो घंटे पहले, मैंने एक वीडियो, लाइव वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज ऑफर फॉर यू एंड मैं खरीद लाया हूँ विद्या क्वेश्चन बैंक। तो उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपको इस पेज का मैंने बता दिया था, बस ये नीचे कुछ रह गया था ज्यामिति के बारे में, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो को एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में सबसे पहले त्रिभुज है। त्रिभुज में दो चीज़ें, त्रिभुज में कुछ कंडीशन दी हुई हैं, तो मैं कुछ कंडीशंस को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी लिंक, इसकी PDF फाइल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर करिए डाउनलोड, उसको पढ़िए। जिसके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है वो पढ़ लें, जिनके पास नहीं है उनको मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं पहले आपको ज्वाइन हो जाना है, मतलब कि वीडियो डालने के एक घंटे बाद मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, जिससे कि जो लोग नए जुड़े उनके पास ये पहुंच जाए, और जो भी बाद में जुड़ते रहेंगे मैं उनके पास बैक टू बैक भेजता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो त्रिभुज में सबसे पहले पॉइंट एक में है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मैं बताता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए मेरा कोई त्रिभुज है ABC, ABC। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए हमने AC के समांतर एक रेखा खींची, इसका नाम रख दिया हमने DE। हमने खींच लिया, मतलब हमने रचना कर लिया इसकी, मतलब कि AC की समांतर रेखा हमने DE खींच लिया। इसके बाद दोस्तों, दिया हुआ है त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी मतलब कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये आपकी एक कंडीशन, इसको इसका प्रूविंग भी होता है। तो शायद आपकी क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आपके सिलेबस में हो, तो मैं इसको देख कर जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा ज्यामिति, तो मैं उसमें बता दूंगा। नहीं होगा तो बात को सिर्फ कंडीशन याद रखनी है। इसी तरह जस्ट इसी का अपोजिट है कंडीशन 2, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि ये आपका त्रिभुज दिया है, ये एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज को दो भागों में, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान भागों में विभाजित करें, तो ये इसका समांतर होगी। जस्ट इसका अपोजिट है, ये इसके समांतर, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ये इसके समान, ये दो भागों में विभाजित है तो ये इसके समांतर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन समरूप होने का, जब समरूप त्रिभुज होता है, इसके प्रकार जो आगे तीन चार कंडीशनें हैं वो समरूप होने के, मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको आपको पढ़ लेना है। ये देख लीजिए, ये भी समरूप की है, ये भी समरूप होने की त्रिभुज की कंडीशन है, और ये भी है। इसके बाद दोस्तों, आपको बताते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत त्रिभुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, इसी से आपको 8 और 9 ये पूरा आपको पढ़ लेना है, और आपको अच्छे समझ लेना है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा, हो सकता है 12 इम्प्रूविंग हो ना हो, तो मैं इसको सिलेबस में देख कर मैं आपको तुरंत बताऊँगा। जब इसके बारे में चैप्टर में बताऊँगा, यदि प्रूविंग होगी तो मैं आपको बताऊँगा, प्रूविंग नहीं भी होगी दोस्तों, क्वेश्चनों को करते समय इसका हमें यूज होगा, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में आपको वैल्यू वगैरह दी होगी, उसमें आपको इस कंडीशन का प्रयोग करके दूसरे वैल्यूज का मान निकालना होगा। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो बढ़ाते हैं, जिसमें आप वृत्त सर्किल आ गया, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए दोस्तों, कैसे होती है, ये वृत्त है, वृत्त की ये स्पर्श रेखा होगा, यदि इस पर एक त्रिज्या खींचे तो ये इस पर लंब होती है, ये होता है 90 एंगल।
वृत्त है त्रिज्या, त्रिज्या पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो होगी लंब, यही इसमें बताया गया है। बस इसी तरह इसी दूसरा पॉइंट है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं बराबर। तो ये देखो कैसे होता है दोस्तों, यह एक वृत्त, वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं इस तरह खींची जाएंगी। ये मान लीजिए ए है, ये ओ मान, ये मान लीजिए बी, ये सी, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ओ है, तो ये आपको पता है इसमें लंब, ये लंब, उसके बाद ये इसके बराबर। तो ये इस कंडीशन बताया गया, जब दोस्तों ये इसके बराबर हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और उसके बाद इनका इनका बोलता है 180 अंश, क्योंकि 90 ए हो गया, 90 ये हो गया, तो इस कोण का योग प्लस इस मान लीजिए ये एक है ये दो है, तो एक प्लस दो बराबर हो जाएगा 180। तो इसी में इसी तरह आपको कंडीशन मिलती हैं, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज निकालना होता है। जब क्वेश्चन इस तरह के मैं कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। दोस्तों जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगा तो आपको इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये हमारे होते हैं चार चतुर्थांश, एक होता है यक्ष अक्ष, ये वाई एच, ये यक्ष डैश एच, ये वाई डैश एच। तो इसमें ये इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें ये जो होता है दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है ये 0,0, इसी को हम मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। दोस्तों आपको इसको समझना है, जब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा तो आपको इस चीज़ को देखना है। मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंडीशंस को आपको याद रखना, यदि आप इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंडीशन को याद कर लेते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आगे ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आपको इसको याद कर लेना है, लिख लेना दोस्तों। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी दोस्तों, एक गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी, ये होता है दूरी के फार्मूला। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इनके बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है, मान लीजिए यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, आपको ये याद कर लेना है फार्मूला, आपको अच्छे से रट लेना है फार्मूला। फार्मूला याद करके उसके बाद जो x1 y1 के मान होते हैं वो रख देना। मैं आपको जब इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा उसमें बताऊंगा x1 y1, ये भुज, ये कोट, ये भुज, ये कोट, पहले भुज कॉमा कोट के रूप में इसमें निर्देशांक लिखे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे वीडियो करते हैं स्टार्ट। दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को m1 m2 के अंतर अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, आपको इतना याद करना है। अंतर विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है ये बस आपको इतना याद करना है। यदि अंतर विभाजन के लिए फार्मूला कह रहा है तो आपको फार्मूला पहले याद कर लेना। जब मैं इसके बारे में बेसिक बताऊंगा जरूर बताऊंगा आपको, मैंने बता दिया है, मेरी गारंटी में जरूर बताऊंगा, कुछ नहीं बस ये दोस्तों 2-3 दिन में ही बताऊंगा मैं आपको। बस फार्मूला याद करना है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 m1, तुम्हारा आपका ये अनुपात है, m1 आपका दिया होगा कि m1 अनुपात है m2 बराबर 1/2, तो इसी तरह ये m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान हो जाएगा। दोस्तों ये x1 y1 क्या है, तो ये वही भुज और कोट ही है, बिंदु है। तो इसके बाद दोस्तों दो बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, इनके मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है, आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है। त्रिभुज के शीर्ष ये होते हैं x1 y1 x2 y2, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, मैं आपको अगले पन्ने में बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है ABC, तो इसके जो निर्देशांक होंगे पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2, इसका जो होगा x3 y3। अब दोस्तों यदि इसे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, x1 x2 x3 / 3, उसके बाद जब y1 y2 y3, ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा y बराबर, मतलब कि यहाँ पर भी दो पॉइंट आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1,2 दिया, यहाँ 2,3 दिया, यहाँ पर 3,4 दिया है, तो आपको पहले इसके 1, 2, 3 मान रख देना है, 1, 2, 3/3, उसके बाद 2, 3, 4 आपको मान रख देना है, यहाँ पर वैल्यूज रख देनी है, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 3, 7, 2, 9, बस इसी तरह आपको सॉल्व करके
दो एक यहाँ तीन, यहाँ पर आ जाएगा 2,3। इसी त्रिभुज के अंदर के निर्देशांक हो गए दोस्तों। बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जो भी यूपी बोर्ड से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हिंदी में बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा, आप वहाँ से यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने देखा यूट्यूब पर इंग्लिश में तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी से बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, मैं देखता हूँ बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ने में, तो यदि आपको हिंदी में पढ़ने की प्रॉब्लम है तो आप इस समय पर आ जाइए, आपको अच्छे से हिंदी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इसको इस तरह भी याद कर लेते हैं। आपको ये x1 x2 x3 तो ध्यान ही रखना है कि ये x1 x2 x3 प्लस के बाद होंगे। उसके बाद 23 31 12, ये y1 y2 y3 के लिए 23, ये 2 3 23 हो गया, बीच में माइनस लगाना है 23 31 12। या फिर आप पूरा याद करना चाहते हैं तो 123 231 312, इस तरह भी याद कर सकते हैं। दो तरीके इसके, 23 31 12 या 123 231 312, इस तरह आप किसी भी तरह याद कर, जिस तरह आपको याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों इसी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो इस तरह लिख दिया गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आगे दोस्तों, यह त्रिभुज के तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, तीनों बिंदु संदेह होंगे, मतलब कि यह त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल है वो यदि शून्य आ जाता है, त्रिभुज के तीन बिंदु संदेह, मतलब एक ही बिंदु से जाएंगे त्रिभुज के तीन, मतलब इसमें लिखा हुआ है तीनों बिंदु संदेह होंगे, मतलब कि एक ही रेखा से होकर तीनों बिंदु जाएंगे त्रिभुज के। यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में दोस्तों, जैसे ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम बराबर जीरो कर दें, बराबर जीरो आ तो वह संदेह होगा। आगे के बारे में बात करते हैं, आगे है त्रिकोणमित चैप्टर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमित, त्रिकोणमित के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। मैं आपको पहले समकोण त्रिभुज बना के बताता हूँ, आपको टेंशन लेना नहीं है दोस्तों। जो भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं इस चैनल पर हो जाइए ज्वाइन, इस यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज है, इसमें ये कोण हम लेते हैं थीटा, और जो त्रिकोणमिति होती है उसमें होते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन। उसके बाद इधर कॉट होता है, इधर कॉसेक होता है, एक होता है सेक। तो जो कॉट होता है वो यहाँ टेन के नीचे होता है, जो सेक होता है वो कॉस के नीचे, कॉसेक साइन के नीचे। तो मैंने इनका ऑर्डर नहीं दिया है, तो आपको ऑर्डर आपको समझ ही जाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा वो लंब अपॉन कर्ण, ये दोस्तों हमारा लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये होता है आधार, लंब खड़ा आधार पड़ा कर्ण तिरछा, आपको इस तरह याद करना है। लंब को डिनोट करते हैं एल से, कर्ण को के से, इसको ए से, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा आधार अपॉन लंब। बस देखिए टेन का संबंध होता है कॉट से, इसका उल्टा कर देंगे कॉट बन जाएगा, अब इसका उल्टा करेंगे बनेगा सेक, इसका कर देंगे कर्ण अपॉन आधार, इसका उल्टा करेंगे बनेगा कॉसेक, ये बनेगा कर्ण अपॉन लंब। दोस्तों इतना मैंने आपको बताया, ये थोड़ा बेसिक बताने के लायक था, हमने समझा था। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको रखना, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए, साइन कॉस टेन, और हियर कॉट सेक कॉसेक, बस इसी का उल्टा कर देंगे तो ये वो बन जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जो 6 फॉर्मूले दिए हुए हैं इसी संबंधित दिए हुए, मैंने आपको बता दिया, अच्छा समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे दूसरा नंबर दिया त्रिकोण में अनुपात में संबंध, जो साइन थीटा होता है वो 1/ कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है बस जस्ट इसी का व्यतिक्रम कर देंगे तो साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, कॉसेक, तो ये कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा 1/ सेक थीटा, यदि हम इसका दोनों पक्षों में व्यतिक्रम कर दें तो कॉस आ जाएगा नीचे, सेक पहुंच जाएगा ऊपर, और इसी तरह ये बन जाएगा। आगे इसी तरह टेन थीटा बराबर होता है 1/ कॉट थीटा, अब इसका टेन थीटा को हम साइन थीटा 1/ कॉस थीटा भी लिखते हैं,
कॉट थीटा को 1/10 थीटा, अब कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं, तो आपको इतना याद कर लेना है दोस्तों। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलास, आपको इनको याद रखने, मैं आपको इनको निकालने के तरीके भी बताऊँगा दोस्तों, आपको ये फार्मूला सारे याद कर लेने हैं। उसके बाद ये वर्गात्मक संबंध, आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये याद कर लेना है फार्मूला। अब उसके बाद देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, या फिर इसको उधर ले जाएं तो माइनस, इसको बराबर एक में करके, मतलब कि जो भी फार्मूला याद करना आप इसमें इसको टू वन कर लेना, मतलब कि बराबर में एक कर लेना, इसी तरह इसको भी बराबर में एक कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके दिए गई वैल्यूज, इसको आप करना याद। मैं इसको निकालने का तरीका बताऊंगा, ये भी इस चैप्टर में आऊंगा। तो वृत्तों से संबंधित वृत्तों मेंसुरेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अब तो दोस्तों ये जो मेंसुरेशन, इसमें तो सिलेबस कम हो चुका है, जब मैं क्लास टेंथ में था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सिलेबस था, जब एनसीईआरटी नहीं था। मैं क्या, तो पिछले साल जब था तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस था, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं बात। मेंसुरेशन वृत्त, वृत्त होता है, वृत्त को आपको पता होगा वृत्त क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यदि नहीं पता है तो। वृत्त होता है एक प्लेन, प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होता है, सिर्फ इसमें क्या होती है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है, ये हमारी है परिधि, और व्यास, वही त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है दो गुणते, मतलब 2 × त्रिज्या, त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। दोस्तों आपको ये तीन फार्मूले करने हैं याद, जिससे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई r1² - r2², वृत्ताकार वलय क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है एक वृत्त, यदि वृत्त में दो त्रिज्याएं हैं, ये हो जाएगी हमारी, मान लीजिए ये है r1, तो ये वाली हो जाती है r2, इसी तरह इसमें दिया हुआ है। तो मैं जब इसके बारे में बताऊँगा बहुत ही क्लियरली, मैं इसके बारे में बताऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं जब इस चैप्टर में आऊँगा दोस्तों आपको बहुत ही क्लियरली बताऊँगा। और ये चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर दोस्तों बस आपको 7 से 8 या 9 दिन में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे फार्मूले करने हैं याद, ये आपको फार्मूले करने हैं याद, जिसका मिलेगा आपको लिंक, इसका PDF मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। घनाप से संबंधित फार्मूले आपको करने हैं याद, घनाप का मैं आपको बता देता हूँ फिगर कैसा होता है। एक आयत होता है घनाप में, घनाभ में दो आयत इस प्रकार होते हैं, ये हो जाता है घनाभ हमारा। यदि घन की बात करें तो घन होता है वर्गाकार के रूप में, ये हो जाता है हमारा घन, ये घनाभ है, ये घन है। घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो घनाभ होता है इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके जो फार्मूले दिए हुए हैं ये आपको करने हैं याद। उसके बाद दोस्तों आगे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ये देखिए लंबवृत्ति बेलन, बेलन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लंबवृत्ति बेलन दिया हुआ है, बेलन का आयतन πr² h, वक्रपृष्ठ 2πr h, संपूर्ण पृष्ठ 2πr h + r। तो इनको फार्मूलों को सिर्फ आपको याद करना है, फार्मूले याद करना है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये समझ में जाए फार्मूला कौन सा है, कहाँ से लग रहा है। लंबवृत्ति शंकु इसी तरह है, आपको ये फार्मूले याद करने हैं, गोला के फार्मूले याद करने हैं, और शंकु का छिन्नक, छिन्नक वही होता है शंकु के ऊपर हिस्सा काट दें तो छिन्नक बन जाता है। दोस्तों इतना था, तो देखिए ये होता है बेलन मेरा, ये उसमें हमारा बेलन, ये इस तरह बनता है बेलन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शंकु, ये हो गया शंकु। अब बात करते हैं गोला, वृत्त तो गोला में अंतर का, दोस्तों देखिए इसी बगल में बनाता हूँ, ये है एक वृत्त। अब वृत्त में जो गोला होता है वो इस तरह होता है, गोला जो होता है, जैसे आपने बॉल देखी होगी, कौन आजकल क्रिकेट नहीं खेलता है भाई, तो जिन्होंने बॉल देखी है, बॉल वो गोलाकार होती है, वृत्ताकार नहीं होती। वृत्ताकार जैसे कोई भी चीज़ ले लें, जैसे हम एक कागज़ लें उसको इस तरह काट लें तो वो हो जाएगा वृत्ताकार, जो गेंद होती है वो होती है गोलाकार। दोस्तों तो ये आपको लंबवृत्ति बेलन, शंकु, गोला, शंकु का छिन्नक, ये आप इनको बस फार्मूले याद करने हैं दोस्तों, फार्मूले आप याद कर लीजिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब मैं कराऊँगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये होता है इस तरह। इसके बाद दोस्तों देखिए ये है सांख्यिकी, बस इसके आपके फार्मूले याद करने, इसको इसके आपके फार्मूले याद करना है आपको, इसमें और कुछ भी नहीं याद करना है। और मैं नहीं देखता हूँ कि कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन, बस आपको फार्मूले याद करने, इसलिए मैं इसके बाद ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके
एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में कुछ ज़्यादा बताना चाहूँगा नहीं, क्योंकि ये प्रायिकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस में दोस्तों। तो बस सांख्यिकी के बारे में थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनको बता दूंगा। उसी तरह क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे पेपर में, मैं आपको बता दूंगा। एक आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, आपको एक ये फार्मूला याद कर लेना, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो चलो, चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर इन। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से आपको मिलने लगेगा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसे इसे वहाँ यहाँ पर वास्तविक संख्या के नाम से बताया गया। संख्या पद्धति को कहते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो करते हैं एंड। ये थी हमारी विद्या क्वेश्चन बैंक। तो यदि आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसे आज खरीद लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। तो इसी से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अनसॉल्व मैं बताने वाला हूँ आपको, अनसॉल्व भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो करते हैं यहीं पर इन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।